ये वीडियो खास करके उनके लिए है जिनका 35 से 40 मार्क्स आ रहा है। ऑनेस्टली वो चाहते हैं कि इस बार मेरा जॉब हो जाए, तो उनको क्या करना चाहिए। एक ही कंडीशन है कि वो मेहनत करना चाहते हैं, तो मैं उनको बताऊंगा कि उनको करना क्या चाहिए, कैसे वो अपना मार्क्स इंप्रूव करें। के लिए भी है जो थोड़ा बहुत मेहनत करके थक जाते हैं और ज़्यादा पढ़ने में उनका मन दिल नहीं लगता है, बेचैनी सा रहता है, बस वो जॉब लेना चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते हैं। उनके लिए लास्ट में मैं एक मंत्र बता दूंगा, उस मंत्र को आपको सुबह में उठने से पहले पढ़ना है और कुछ प्रक्रिया है, आपका जॉब ऐसे ही हो जाएगा, आप ऐसे ही मनचाही अपना पोस्ट पालोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनका 35 से 40 मार्क्स आ रहा है, आप अगर सेट बना रहे हैं और सेट बनाने के बाद से पहले तो आप अपना सिलेबस को देखें कि सिलेबस में मेरा कहाँ डाउटफुल है, उस सिलेबस को पहले आप कंप्लीट कीजिए, जितना हो सके फास्ट कंप्लीट कीजिए, ठीक है। जहां से भी आपको सोर्स मिले, ऑफलाइन ऑनलाइन, आप उसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद से अगर आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके आप ऑनलाइन टेस्ट शुरू कीजिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं और उनका 35 से 40 मार्क्स आ रहा है, कुछ लोग ऑनलाइन भी दे रहे हैं उनका 35 से 40 मार्क्स आ रहा है। टेस्ट देने से सिर्फ और सिर्फ आपका तैयारी ही नहीं होता है, एक प्रकार के आपका माइंडसेट बनता है एग्जाम के अनुरूप कि हाँ, मैं ऑनलाइन बैठ के 90 मिनट अपने आप को कंट्रोल करके, अपने माइंड को कंट्रोल करके मैं एक प्रकार से, मतलब मानो कि एक तपस्या कर रहा हूँ। आप कहीं और दिमाग नहीं लगाते हैं, एकदम मतलब कंसंट्रेट कर लेते हैं एक स्क्रीन डिस्प्ले के सामने और 90 मिनट उस क्वेश्चन को देखते हैं जो क्वेश्चन आपको भविष्य में आने वाले हैं, अपने आप को उस अनुरूप ढालते हैं, समझ रहे हैं। एक प्रकार का वो तपस्या है, 90 मिनट आप जो समय देते हैं ना, वो एक प्रकार का आपका तपस्या है और उसी तपस्या का फल आपको एग्जाम में मिलेगा। तो आपको करना क्या है, जब आप सेट बना रहे हैं और आपका 40 मार्क्स आ रहा है, 40 मार्क्स के बाद से जो आपका 60 क्वेश्चन छूट जा रहा है, उस क्वेश्चन को ना गोला कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अंडरलाइन कीजिए या गोला कीजिए, और गोला करने के बाद से आप क्या कीजिए कि उसके सॉल्यूशन को देखिए। सॉल्यूशन को किसी रफ कॉपी में मस्त लिखिए और उसको डिटेल्स लिखिए, पूरा डिटेल्स से लिखिए। जैसे सेट लगाना और लगाने के बाद से जो एनालिसिस कर रहे हैं वो भी आपका पढ़ाई ही है, कहीं ना कहीं आप उसको पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, वो टाइम आप पास नहीं कर रहे हैं। तो जैसे होता है क्या ना, बहुत सारा सब्जेक्ट ही पढ़ने के बाद से हमको वो चीज़ नहीं मिल पाता है जो कहीं कहीं क्वेश्चन में मिल जाता है, ठीक है। वो उतना आइडिया नहीं लग पाता है कि इसमें से क्वेश्चन क्या निकलेगा या क्वेश्चन पूछेगा क्या या क्वेश्चन का ऑप्शन कैसा हो सकता है। ऑप्शन बनाने वाले के दिमाग को हम पढ़ते हैं जब टेस्ट देते हैं, तो कि वो किस टाइप के ऑप्शन को बना रहा है, इस क्वेश्चन में किस टाइप के ऑप्शन को डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम जब इतना मैक्सिमम टेस्ट देते हैं ना, तो अपने आप को मतलब ऑप्शन में से चुनने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है कि हम ऑप्शन को कैसे चुने। कहीं ना कहीं एक यूनिक क्वेश्चन का सामना हमारे सामने होता है और हम जब बनाते हैं तो हमारा एक प्रकार का माइंडसेट क्वेश्चन की तरफ चलता है कि हम इस क्वेश्चन पे किस प्रकार से सोचे, ठीक है। तो ये तो हो गया कि सेट बनाने के बेनिफिट क्या हो गया, ठीक है। अब आपका 30-35 मार्क्स आ रहा है तो 60-70 क्वेश्चन जो नहीं मतलब बन रहा है, जो क्वेश्चन गलत हो जा रहा है और नहीं बन रहा है, उसको आप अंडरलाइन कीजिए, गोला कीजिए और उसको जिस टॉपिक से मिले, जिस बुक में मिले, उसको एक बार पढ़िए, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लीजिए। पर डे सुबह ना आप सुबह सुबह सेट लगाइए। सुबह सुबह सेट लगाने के बाद से मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आप 5 बजे 4 बजे मतलब फ्रेश होकर अपना पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है। और सेट लगाने के बाद से आप दिन भर ना उसी चीज़ को पढ़िए जो चीज़ आपसे गलती हो गया। देखिए उस दिन आप उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, फिर अगले दिन आपको नया टारगेट मिलेगा। सुबह सुबह जब आपके क्वेश्चन गलती होंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका मतलब मन दिमाग दिन भर थोड़ा थोड़ा परेशान रहेगा कि यार आज गलती हो गया, इतना ही मार्क्स आया, कम मार्क्स आया, मैं क्या करूँ कि मेरा मार्क्स बढ़े। और आप दिन भर किसी न किसी बुक्स में उसको ढूंढेंगे और ढूंढने के चक्कर में ही आपको बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक मिल जाएगा या बहुत अच्छा अच्छा चीज़, मतलब एक क्वेश्चन ढूंढने के चक्कर में ना आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएगा और उससे 10 क्वेश्चन का तैयारी हो जाएगा, ठीक है। आप उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे कि हाँ अरे ये क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है इस क्वेश्चन को, मतलब आपको बहुत सारा टॉपिक उसके रिगार्डिंग आप पढ़ सकते हैं एक क्वेश्चन को ढूंढने के लिए, ठीक है। तो आप मैक्सिमम मतलब सोचिए कि सेट प्रैक्टिस करूँ, अपना सिलेबस भी लेके चलूँ, क्या करना है, अपनी कमी ही सुधारना है ना, आपको अपना कमी को ही सुधारना है। कमी को सुधारते सुधारते आप बेस्ट कर पाएंगे, इसलिए आप अपने कमियों को सुधारिए और चाहिए कि मैं बेस्ट करूँ, ठीक है। एक बात मैं फाइनल बोलूँगा कि जो
टेस्ट नहीं दे रहे हैं वो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ। अभी से जग जाइए, ये मत सोचिए कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मैं कुछ पढ़ा ही नहीं हूँ, कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो क्या है, सेट प्रैक्टिस शुरू कीजिए, ठीक है, सेट प्रैक्टिस शुरू कीजिए, 10, 5, 20, 25, 30 कुछ भी बने उसको बनाइए, कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे आपके अंदर को निखार लाता है, आपके अंदर को मतलब नॉलेज को वो उभारता है, ठीक है। 30, 40, 50 जो भी बन रहा है बनाइए, ये मत डरिए मार्क्स कम आएगा, मेरा नहीं सॉल्व होगा क्वेश्चन, या यार मार्क्स कम आ जाएगा, शर्माइए नहीं, डरिए नहीं, डरिएगा तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए आपके अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो हम लगते हैं उस पर तुक्का लगाने और गेस करने की ये आंसर होगा वो आंसर होगा, ये काम बिल्कुल छोड़ दीजिए, गेस आपको बिल्कुल करना ही नहीं है, ये एग्जाम है, इसमें गेस करके कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन, देखिए पहले फर्स्ट ही जीजी बना लिए जैसे मैं बताया हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा टफ वाला, फिर लास्ट में अगर कुछ बचता है ना और आपको लग रहा है कि हाँ मैं 80% 70% श्योर हूँ, तब आप गेस कीजिए, नहीं तो एग्जाम हो ना बिल्कुल गेस मत कीजिए, बात समझिए, आपको फुली कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और फुली कॉन्फिडेंस के साथ बनाना है, गेस करने की जरूरत नहीं है, भले मैं थंबनेल में डाला हूँ कि गेस करना है, गेस बिल्कुल नहीं करना है, आपको जितना पढ़ना है कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है, क्योंकि अक्सर गेस किया हुआ क्वेश्चन गलत ही हो जाता है, ठीक है। तो आप गेस मत कीजिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए, आपको गेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, करके पर डे आप अपना छोटा छोटा टारगेट बना करके अपनी गलतियों को ही सुधार के आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और गलतियां सुधारने के माध्यम से ही आप सिलेबस को पढ़ लेंगे, बाकी ज्यादा आपको सिलेबस के पीछे नहीं भागना है, प्रैक्टिस सेट कीजिए, प्रैक्टिस सेट ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।